हेलो, मैं हूँ रॉन कैंटर और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ाइन गॉड टीवी पर। मैं अभी भी यहूदा के मरुस्थल में हूँ और ये बहुत सुंदर स्थान है। इसराइल सच में एक अद्भुत देश है। खैर, हम बात कर रहे थे व्यवस्था विवरण के सातवें अध्याय की, जहाँ ये वर्तांत है जिसे मैं याद रखना चाहता हूँ। इससे मेरा विश्वास मजबूत होता है कि कैसे परमेश्वर मेरी कोख को आशीष देता है। नहीं, मेरी कोख नहीं आप समझ गए होंगे इसका क्या अर्थ है, बल्कि हमारी भूमि की उपज को, दाख मधु को, तेल को। जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं तो एक बात स्मरण योग्य है कि विश्वास परखा जाता है। देखिए, इसराइलियों को बेशक बहुत भविष्यवाणियां मिली, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, वो तुम्हें मिस्र से बाहर निकालेगा और तुम्हें अपना देश देगा, उन्हें महान मूसा दिया गया, पर इन सब के बावजूद तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। पहले फिरौन तुम्हें जाने नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी यातनाएं बढ़ जाएंगी, और जब आखिरकार वो तुम्हें जाने देगा, तुम्हें लगेगा अब सब ठीक है, तो तुम समुद्र के पास पहुंचोगे, और जब पीछे देखोगे तो बड़ी सेना तुम्हें आती हुई दिखाई देगी जो तुम्हें मार डालना चाहेगी, पर तुम्हें अपना विश्वास बनाए रखना होगा। फिर आपको मालूम है कि वो लोग समुद्र पार कर गए, पर अब खाना नहीं है, अब वो बहुत भयभीत हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अब परमेश्वर के वायदे को थाम कर नहीं रखा है। इसी कारण वो परीक्षा में पड़ जाते हैं। मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में जो कुछ हुआ, कोई भी वायदा मेरे जीवन में जो प्रभु ने मुझे दिया, चाहे मेरी सेवकाई हो, चाहे ये टीवी शो, परमेश्वर ने इसके बारे में तकरीबन एक वर्ष पहले कहा, पर फिर ऐसा लगा ये कभी नहीं होगा। पर अब यहाँ देखिए, हम टीवी और इंटरनेट पर आपकी सेवा में हाजिर हैं। पर याद रखें, विश्वास सदैव परखा जाता है। जब आपको कोई भविष्यवाणी मिलती है तो ये नहीं कि अब आप उछले कूदें और बहुत आनंद बनाएं। ऐसे ना सोचें कि परमेश्वर ने कहा है तो बहुत आसान होगा। सुनिए, जब परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा तेरे लिए करने वाला हूँ, तो वो ये वचन देता है। अगर वो पूरा नहीं होता, तब भी आपके पास उसका दिया वचन है और आप कह सकते हैं नहीं नहीं, चाहे सब कुछ उसके विरुद्ध होता दिखाई दे, मैं परमेश्वर के वायदे को थामे रहूंगा। बाइबिल में ऐसे कई महान नायक हैं जैसे दाऊद या यूसुफ। इन्हें भविष्य के लिए बहुत अविश्वसनीय वचन दिए गए, पर तुरंत क्या हुआ? दाऊद मरते मरते बचा और यूसुफ बंदी गृह में डाल दिया गया। 10 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद ही वो अपनी नियति तक पहुंच पाए। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? आपको परमेश्वर ने ऐसा क्या दिया है जो आपको लगता है कि बिल्कुल असंभव है? पर अगर उसने आपको भविष्यवाणी दी है, तो आप उस वचन को थामे रहें और बिल्कुल निराश ना हों। अगर परमेश्वर कहता है वो ऐसा करेगा, तो हम विश्वास करते हुए उसके साथ भागीदार बने। मुझे हैरानी होती है दोस्तों, परमेश्वर क्या सोचता होगा जब हम विश्वास नहीं करते, जब वो कहता है मैं ऐसा करूंगा, पर परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है? वो परमेश्वर है, मुझे लगता है उसे चोट पहुंचती होगी, क्योंकि वो हमारा पिता है। मेरी प्यारी बेटियां हैं, और अगर मैं अपनी बेटी से कहूं कि मैं कल तुम्हें $100 देने वाला हूं, तुम मुझे फलाने कैफे में मिलना, वो तुम्हें मिल जाएंगे, वो ये नहीं कहेगी पापा ये कैसे हो सकता है, मैंने सारी जिंदगी उसे खाना खिलाया है, उसकी जरूरतें पूरी की हैं, उसे अच्छे कपड़े दिए हैं, तो अब तक उसे ये विश्वास होगा कि अगर मैंने उसे कुछ कहा है तो मैं उसे पूरा करूंगा। तो परमेश्वर हमारे लिए कितना अधिक कर सकता है। हो सकता है कि विश्वास पर खा जाए, पर हिम्मत ना हारे। परमेश्वर को ये बहुत भला लगता है जब हम असंभव दिखती हुई परिस्थितियों में भी उस पर विश्वास करते हैं। हमारा ऐसा विश्वास परमेश्वर पिता को आनंदित कर देता है, जब सब कुछ कहता है नहीं, पर हम स्वर्ग की ओर देखकर कहते हैं तूने कहा है तो होगा। हालेलुया। हाँ दोस्तों, आप god.tv पर जरूर जाएं और किसी एपिसोड से ना चूकें, या मुझसे संपर्क करें @ronkanter.com पर। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @ronskanter पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ाइन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए god.tv/ज़ाइन पर जाएं।